اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي يا بني ए बनी इसराइल मेरी उस न करो जो मैंने तुम पर इनाम की थी और ये के बिला शुबा मैंने तुम्हें तमाम तुम जहानों पर फजीलत बख्शी थी इस आयत का पहला हिस्सा कल तफसील से बयान हो चुका है अला सुबह ननी इसराइल से खिताब कर रहे हैं तमाम इंसानों को खिताब करने के बाद खास तौर पर एक ऐसी उम्मत को खिताब किया जा रहा है जिसे अपने वक्त में तमाम जहानों पर फजीलत अता की गई थी और उन पर अल्लाह ताला के बेशुमार इनाम थे पीछे जो आयत नंबर चालीस गुजरी है उसमें अख्तसार के साथ बनी इसराइल को एहसानात याद दिलाए गए थे अब यहाँ उनकी तफसील शुरू होगी या बनी इसराइल कुरु नाम तो कुम अ बनी इसराइल याद करो अपनी जबान से भी जिक्र करो और अपने दिलों में भी इस नियमत को याद रखो नियमत का लफ्स अगर चेमुफरत आया है लेकिन इससे मुराद जमा है यानी नियमतें मुराद हैं इसम जिनसे है? यानी तमाम नियमतें जो तमाम इंसानों पर भी हैं लेकिन खास बनी इसराइल पर जो नमतें थी दीनी और दुनियावी दोनों तरह की उनकी तरफ मुतव किया जा रहा है और ये बहुत ज्यादा नियमतें थी अल्लाह सुबहान ने दीनी लिहाज से इनके अंदर बेशुमार अम्बिया भेजे इतने नबी किसी और कौम में नहीं आए मूसा सलाम ने इनको इस की याद दहानी भी कराई थी सूरत के आई ट्वेंटी में उस गुरुन आल इस जाम अम्बिया व जा अलकुम मलुका और दुनियावी एतबारे इनके अंदर बहुत से बादशाह भेजे गए थे वह आता कुमालमय ती आहदम आलमीन कि ये नियमतें कितनी थी तुम्हें वो कुछ दिया जो जहान वालों में से किसी को नहीं दिया यानी तुम्हारे अंदर ऐसे पैगंबर भेजे कि जो पैगंबर भी थे बादशाह भी थे और उनकी बादशाहत सिर्फ इंसानों पर नहीं थी बल्कि जन्नात पर हशरात पर चरिंद परिंद पर और हवा मुसक्र की गई लोहा मुसक्र किया गया उनके लिए और पीतल के चश्मे बहा दिए गए और इसी तरह बहुत सारी और नियमतें जो किसी और कौम को इस शक्ल में नहीं मिली जिस तरह बनु इसराइल को मिली थी तो नेमत को याद करने का मकसद क्या है ताकि तुम शुक्रगुजार बनो और शुक्र में क्या कुछ आता है यानी दिल से भी शुक्र होता है जबान से भी होता है और अमल दुरुस्त होता है अमल साले के जरिए ताकि तुम अपने अमाल को दुरुस्त कर सको यहाँ पर खिताब तो बनी इसराइल के उन लोगों से है जो मदीना में थे कितने कबाइल थे वहाँ मदीना में तीन कबाइल थे उनसे बात की जा रही है डायरेक्ट उनको मुखातिब किया जा रहा है जबकि नेमतें इनके आबाओ अजदाद पर हुई थी जिनका यहाँ जिक्र किया जा रहा है जिनकी याद दहानी कराई जा रही है उसकी क्या वजह है उसकी वजह यह है कि जो नेमतें आबा पर होती हैं उनका हिस्सा अबना पर भी आता है यानी अगर आपके पेरेंट्स किसी वजह से किसी खास चीज की वजह से प्रिवलेज थे तो उससे आप भी जिंदगी में फायदा उठाते हैं उनके बच्चे होने की हैसियत से कभी उनके और दौलत से आप फायदा उठाते हैं कभी उनके स्टेटस से कभी उनके किसी और खास नाम से क्योंकि जब लोग आपको पहचानते हैं कि आप फलां के बच्चे हैं फलां नस्ल में से फलां कौम में से हैं, तो एकदम लोगों का रवैया आपसे बदल जाता है तो ये हमेशा होता है कि इंसान अपने आबाव अजदाद से बहुत से फायदे उठाता है यानी इंस्टेंट जो पेरेंट्स होते हैं उनसे तो सारे ही फायदे उठा रहे होते हैं लेकिन उससे ऊपर भी जो अच्छे लोग गुजरे होते हैं किसी खानदान में वो इंसान की इज्जत का बायस होते हैं तो यहाँ पर बनी इसराइल को नमतें याद कराई जा रही हैं उन बनी इसराइल को जो नबी अलैहि वसल्लम के दौर में थे चूंकि उनके बाप दादा पर बहुत सी नियमते थी लिहाजा ये उनके हिस्सेदार थे और कुरान मजीद में ये उसलूब हमें मिलता है कि असलाफ को जो नियमत दी गई होती है उसका भी जिक्र किया जाता है असलाफ होते ही पहले लोग मिसाल के तौर पर इनके असलाफ ने बछड़े को माबूद बनाया तो अल्लाह तला ने उनकी तोबा कबूल कर ली शिर के बावजूद अगर ना करते तो बनी सराइल सारे के सारे फना हो जाते यानी तुम आज होते ही न हु? इसी तरह उनको मौत देने के बाद अल्लाह तला ने जिंदा किया तो न जिंदा करता तो आज कहाँ होते बनी इसराइल वह अन्य फदल तो कुम अल आलमीन और ये कि मैंने तुम्हे तमाम जहानों पर फजीलत अता की आलमीन आलम की जमा है कहा गुजर चुका है रबुल आलमीन तफसील आप जान चुके हैं यानी मैंने तुम्हे शरफ अता किया कि, तुम्हे चुन लिया तमाम जहान वालों पर और यहाँ तमाम जहानों से मुराद अव्वल से आखिर दुनिया तक नहीं है बल्कि उस दौर में जब बनी इसराइल को अल्लाह तला ने नबत और हुकूमत के लिए चुना यानी अपने जमाने के लोगों पर मुराद है अपने जमाने के लोगों पर और फजीलत से मुराद यहां खास तौर पर हिदायत और रहनुमाई का जो मनसब उन्हें अता किया था कि तुम बाकी दुनिया के लोगों और बाकी कौमों के लिए हिदायत का काम करोगे क्योंकि जो इज्जत और शरह मिलती है ना इंसान को वो किसी जिम्मेदारी के साथ मिलती है जब इंसान उस जिम्मेदारी को निभाता है उस उहदे का पास रखता है तो फिर उसके इज्जत में इजाफा होता है और अगर, अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो वही चीज उसके लिए जिल्लत और रसवाई का बायस बन जाती है यानी फजीलत की जो वजह थी वो क्या थी कि तुम मेरी इबादत खुद भी करो और दूसरों को भी रहनुमाई दो जब उन्होंने ये काम नहीं किया तो उनके बाद अल्लाह सुबहान ने ये फजीलत किसको अता कर दी उम्मत मोहम्मद सल्लाम बनी इसराइल के बाद अब सबसे ज्यादा फजीलत वाली उम्मत उम्मत मुस्लिमा है और इसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है सूरत आल इमरान वन हंड्रेड एंड टेन तुम खैर उम्मत तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई यानी लोगों की रहनुमाई के लिए निकाली गई है तो हमें भी ये इज्जत क्यों मिली है और ये इज्जत उम्मत में से किसके लिए है जो दूसरी कौमों के लिए रहनमायी का काम करे यानि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाये तो अमरू नूफी वतमुन कर वोन बिल्ला नबी सरमायामत के दिन तुम लोग यानि उम्मत मोहम्मद सल्ला कामिल सत्तर उम्मतों की शक्ल में होगी यानि इतनी बड़ी फजिलत तुम्हे हासिल होगी और सबसे आखिरी उम्मत तुम हो और अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा बाज्जत होगी तो इस आयस से जो बात पता चलती है वो ये की ना सुबहान तला देता है और फजीलत भी अल्लाह की तरफ से अता होती है फजल अल्लाह की तरफ से आता है जैसे सूरत नमल में आता है वलकद आतना दाऊद व सलीमान वक़ाल अलहमदी फदीरबादिन हमने दाऊद और सलेमानसलाम को एक इल्म दिया और उन दोनों ने कहा कि तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जिसने हमें अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत अता की तो फजीलत किस बिना पर मिली इल्म की बिना पर हिदायत का मिलना भी अल्लाह का फजल है ठीक है कुरान का मिलना भी अल्लाह का फजल है कुल बिफद अल्लाह वहमती ही फिदालिका फलियोजन सूरत यूनुस में आता है किताब का वारिस बनाया जाना भी अल्लाह का फजल है सूरत फातिर की याद नंबर थर्टी टू हैदी नाम इबादिन जिसका माना यह है फिर हमने इस किताब के वारिस अपने वो बंदे बनाए जिन्हें हमने चुन लिया किसकी तरफ इशारा है उम्मत मुसलिमा की तरफ कि उम्मत मुस्लिमा को अब आखिरी किताब की वरासत दी गई इल्म दिया गया फिर इनमें से कोई अपने आप पर जुल्म करने वाला है वो कौन है जो किताब नहीं पढ़ेगा और उस पर अमल नहीं करेगा और इनमें से कोई म्याना रो है यानी पढ़ के कुछ अमल कर लिया कुछ छोड़ दिया और इनमें से कोई नेकियों में आगे निकल जाने वाला है अल्लाह के हुक्म से फरमाया राबीर ये बहुत बड़ा फजल है यही बहुत बड़ा फजल है क्या इंसान नेकियों में आगे बढ़े इसी तरह दुनिया की नियमते भी अल्लाह का फजल होता है अल्लाह ताला ने इंसानों को फजीलत दी वल करम ना बनी आदम और आगे जाके आता है वह खुद ना हो अल्लाह कसी मम्म खलक न तफदीला फिर तो इसी तरह रिस्क का मिलना भी अल्लाह का फजल होता है अल्लाह फदाद कुमलाबाद तो हमें क्या करना चाहिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए क्या अल्लाह से उसका फजल मानते रहना चाहिए मसनून दुआ है अल्लाह इन्नी असअलू का व रहमति का व इन्ना लाईमिक अल्लाह मैं तुझसे तेरे फजल और तेरी रहमत का सवाल करता हूँ क्योंकि इनका मालिक तेरे सिवा कोई नहीं लिहाजा तू मुझ पर अपना फजल फरमा जब अल्लाह का फजल आएगा तो क्या क्या मिल जायेगा इल भी मिलेगा रिस्क भी मिलेगा नैकियों की तोफीक भी मिलेगी और बहुत से फायदे तो अल्लाह की फजल को कोई रोक नहीं सकता अल्लाह से फजल मांगते रहना चाहिए असल मुश्किल पता क्या है हमारे अपने दिल छोटे है ना हम किसी को कुछ देना नहीं चाहते कोई हमसे कुछ मांग बैठे तो हमारा दिल छोटा हो जाता है और अगर पता चले कोई मांगेगा तो किनारा कशी कर लेते हैं उससे अमूमन आदत बता रही हूँ जो आमतौर पर इंसानों के अंदर पाई जाती है लिहाजा इसी पे हम कयास कर लेते हैं औरों को लिहाजा उनके बारे में भी ऐसा ही गुमान रखते हैं ये भी यही करेंगे उनसे नहीं किसी खैर की तो अमूमन हम लोगों के बारे में ये सोचते हालांकि हर इंसान के अंदर खैर होती है आपको वो निकालनी नहीं आती अच्छा अब आप देखिए कि इंसानों पर हम फिर कयास कर लेते हैं अल्लाह ताला को नवजुबिल्ला करना नहीं चाहिए हम समझते हैं कि वो भी शायद नहीं देगा लिहाजा हमारी दुआ में यकीन नहीं होता हम उससे मांगते नहीं हम समझते हैं हम डिजर्व नहीं करते हम क्या मांगे मांगना नहीं आता हालांकि अल्लाह का फजल बहुत वसी है और वो जिसे चाहे दे कोई रोकने वाला नहीं लिहाजा किसी भी मामले में कहीं भी कोई मुश्किल नजर आ रही हो जिंदगी में तो अल्लाह से फसल मांगे अल्लाह के खजाने इतने ज्यादा है व इम बिन शयन कोई भी चीज ऐसी नहीं इल्ला इन दना खजा हो। मगर हमारे पास उसके खजाने हैं तो मांगो क्या अल्लाह ताला के खजानों में कोई कमी आएगी अगर तो मांग बैठे तुम तो, वो तुम्हें शर्मिंदा करेगा वो तुम्हें नहीं देगा वकील है बिल्ला? नहीं तो क्या उसके खजानों का को कोई और मालिक है जैसे आमतौर पर ऐसा होता है ना बादशाह का खजाना होता है लेकिन चाबी किसी और ही के पास होती है वो बाजुक बादशाह ऑर्डर भी कर देता वो निकाल के नहीं देता कुछ जाओ तुम अल्लाह से बना ऐसा नहीं

और डरो उस दिन से जब कोई शख्स किसी के कुछ भी काम न आएगा और न उससे कोई सिफारिश कबूल की जाएगी और न उससे कोई मुआवजा लिया जाएगा और न वो मदद किए जाएंगे नेमत याद दिलाने के बाद फजल फरमाने के बाद उन्हें आखरत के अजाब से भी डराया गया है जब दुनिया में किसी को कोई फजीलत मिल जाती है न ने कोई नियमतें ज्यादा मिल जाती है तो अमूमन उसका नतीजा क्या निकलता है इंसान को जब हर तरह से राहत खुशहाली फारिगुल बाली सब कुछ मिल जाता है बेफिकर हो जाता है फिर उसके ऊपर गफलत छा जाती है फिर वो अल्ला ही को भूल जाता है फिर वो अपने फराइज भूल जाता है फिर उसके अंदर गुरूर और तकबर आने लगता है फिर वो अपने आप को बड़ी चीज समझने लगता है वो आजी और इनके सारी भूल जाता है वो अल्लाह के आगे झुकना भूल जाता है वो अपने फर्ज अदा करने भूल जाता है वो कहता है सब कुछ तो है मेरे पास मेरे अंदर कोई उछाई होगी ना तभी ये सब मिला मुझे इन्ना माउती तू अला बनी इसराइल के साथ भी यही हुआ जब उन्हें चुन लिया गया उनको फजीलत दी गई तो अपने आप को कुछ समझने लग गए नहनु अबना उल्लाह अहिब्बा और फिर उनके अंदर ये बात भी आ गई कि हमारे अंदर बहुत लम्मा है बड़े बड़े नेक लोग हैं अगर हम किसी वजह से पकड़े भी गए तो वो हमें छुड़ा लेंगे अबल तो हमे लन तमस्ल्लाम दूद हम आग में जाने वाले नहीं अगर गए भी तो चंद दिन के लिए जाएंगे फिर निकाल लिए जाएंगे हमें बख्शवा लिया जाएगा हम छुड़ा लिए जाएंगे तो यहाँ उनकी इस गलतफहमी को दूर किया जा रहा है और फिर उनके तवस्त से बाकी सब इंसानों को भी नसीहत की जा रही है क्या वक हुई अमन आखरत के हिसाब से डराया जा रहा है उस दिन से बचो डरो ठीक है तकवा का लफ्ज बकाया से है बकाया कहते हैं अपने और उस चीज के दरमियान एक बचाव इख्तियार करना जो चीज आपको नुकसान दे रही है तकवा क्या होता है यानी अगर कोई चीज जैसे आपको नुकसान दे रही इस इमेज को अपने दिन में वाजे कर ले जब तकवा का लफ्स आए यानी नुकसान देने वाली चीज मसलन आग है या कोई और तकलीफ देने वाली चीज है धूप है धूप आ रही थी सन आ रहा होता है तो आप क्या करते हैं शेड ये शेड क्या है यानी को, कोई कपड़ा या कोई कैप या कोई चीज रख लेते हैं ये बकाया है ये अमल जो है ये तकवा है कि नुकसान देह चीज से आप क्या कर रहे है अपना बचाव इख्तियार कर रहे हैं ठीक है अच्छा ये जो हमारे नेक नेकमाल है और अल्लाह का डर है और अच्छे अच्छे काम है ये असल में क्या बन रहे हैं ढाल बन रहे हैं किस चीज से जहनम की आग से ठीक है तो वह तक यौमन उस दिन से डरो यानी उस दिन के अजाब से डरो किसके जरिए अल्लाह की इताहत के जरिए वो दिन कैसा है वो दिन ऐसा है जिस दिन कोई कहीं भाग के नहीं जा सकेगा हर एक को उसका बदला मिलेगा यौमुद्दीन है वो और वो बड़ा भारी दिन है अल्लाह ताला ने एक और जगह इसको यौमन अजीमा भी कहा है यौम अकीम भी कहा है अबूसन कम तरीरा सख्त तेवरी चढ़ाने वाला मुश्किल तरीन दिन कहा गया इसको यानी क्यामत का दिन बहुत मुश्किल दिन है उस दिन से डरने की जरूरत है उस दिन की मुश्किल से बचाओ यही दुनिया में होगा जैसे जमीन के अंदर अपना ठिकाना करने के लिए कुछ करने की जरूरत है तो क्यामत के दिन उठकर भी हमें एक बचाव की जरूरत सूरज कहाँ होगा सवानेजे पर होगा तो उसकी धूप से बचने के लिए क्या करना है कोई बचाव करना है नेक माल के जरिए ठीक है लातजी नफ सुन अन नफ सुन शै जिस दिन कोई नफ्स कोई इंसान किसी इंसान के कोई जान किसी जान के कोई शख्स किसी शख्स के कुछ भी काम नहीं आएगा जरा फायदा नहीं दे सकेगा नफ्सन या नकेरा आया है ठीक है और इसमें उमूम का माना है यानी कोई भी किफ़ायत नहीं कर सकेगा सूरत लुकमान में आता है ऐ लोगो अपने रब से डरो और उस दिन से डरो कि न बाप अपने बेटे के काम आएगा और ना कोई बेटा ही ऐसा होगा जो अपने बाप के किसी काम आने वाला हो बेटा भी बाप के काम नहीं आएगा सब रिश्तेदार एक दूसरे से भागेंगे योम यफिर उमे नखी ही व उम ही वह अभी ही व साहिबती व बनी ही उस दिन नफसी नफसी का आलम होगा पैगम्बर भी यही कह रहे होंगे जब लोग उस मैदान में सूरज करीब होगा और गम और फिक्र और परेशानी में मुब्तला होंगे जो नाकबले बर्दाश्त हो रही होगी तो लोग आपस में कहेंगे तुम देखते नहीं क्या हाल हो गया कोई ऐसा बंदा नहीं जो तुम्हारे रब की बारगाह में शफात करे चले उसके पास चलते हैं सबसे पहले आदम सलाम के पास जाएंगे वो इनकार कर देंगे वो कहेंगे नफसी नफसी फिर लोग नू असल्लाम के पास जाएंगे फिर उसके बाद इब्राहिम आसम के पास मूसा सलाम के पास ईसा आसम के पास सभी क्या कहेंगे नफसी नफसी पैगम्बर कहेंगे नफसी नफसी आज मुझे अपनी जान की फिक्र है मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और फिर कहेंगे कि अल्लाह ने आपके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए आप रब के हुजूर हमारी शफात कीजिए आप देख रहे हैं कि हम किस हाल को पहुंचे हैं तो आप फरमाते हैं कि फिर मैं आगे बढ़ूंगा और अर्श तले पहुंच कर अपने रब के लिए सजदे में गिर पड़ूंगा और रब की वो हम करूंगा जो इससे पहले नहीं की जो अल्लाह ताला उस दिन आपको सिखाएंगे और फिर हिसाब कायम होगा तो इसलिए उस दिन की हम में से हर एक को फिक्र करनी चाहिए नबी अलैहि वसल्लम ने जब इब्तदा में आपको हुक्म दिया गया था कि पैगाम आगे पहुँचाए तो अनज रशीरत तक अलक्रबीन अपने रिश्तेदारों को भी डराए तो आपने सबसे पहले कुरैश को बुलाया जब जमा हो गए तो आपने एक एक का नाम लिया एक एक कबीले का ए काब बिन लुई की औलाद ए मु की औलाद एब्द शम्स की औलाद एब्द मनाफ की औलाद ए हाशिम की औलाद ए अब्दुल मुतलब की औलाद अपने आपको आग से बचा लो हर एक को नाम ले लेके कहा अपने आपको आग से बचा लो बदत उस दिन की आग से बचा लो और अपनी बेटी से भी कहा ऐ फातिमा अपने आप को आग से बचा लो बेशक मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए किसी चीज का अख्तियार नहीं रखता सिवाय उसके कि तुम लोगों के साथ एक रिश्ता है उसे मैं इसी तरह जोड़ता रहूंगा जिस तरह जोड़ना चाहिए यानी दुनिया में रिश्तेदारी निभाऊंगा आगे काम नहीं आऊंगा तो बत्तख योमन ला तजी नफ्सुन अन नफ सुन शई आ कोई नफ्स किसी नफ्स के काम नहीं आएगा क्योंकि वो क्या कहेगा नफसी नफसी मैं आज अपनी फिक्र में हूँ आपकी फिक्र नहीं कर सकता वलायुकबलिन शफातन और उससे शफात भी कबूल न की जाएगी शफात का लफ्ज शफा ऐसे है शफा कहते हैं ईवन को और जो वितर की जिद है फायदा हासिल करने के लिए या नुकसान दूर करने के लिए किसी को वसीला बनाना और शफात का मान होता है वास्ता या वसीला कभी शफात अच्छी होती है कभी शफात बुरी भी होती है हसन और सयाह यानी कभी कोई किसी के लिए अच्छे काम के लिए भी सिफारिश करता है और बात लोग नाहक काम की भी सिफारिश कर रहे होते हैं जो किसी को नाहक नौकरियां दिलवा रहे होते हैं जो डिजर्व नहीं करता जो काबिल नहीं होते वाहरल तो शफात की दो किस्में हैं एक है कुफार के लिए शफात तो उसके लिए तो अल्लाह ताला ने मजीद में फरमा दिया फमा तन फाउ शफा किसी सिफारशी की शफात उनको कुछ काम नहीं आएगी कुफर के साथ शिरक के साथ शफात काम नहीं आएगी मुशरकिन अपने महबूदों से ये तो रखते थे की वो उनकी शफात करेंगे हाउलाफा ना इंदल्ला ये अल्लाह के हाँ हमारे सफारशी है वो इसलिए उनकी पूजा करते थे कि ये हमें छुड़ाएंगे ठीक है लेकिन ईमान वालों के लिए शफात होगी मगर उसमें भी कुछ शरायत है वो क्या पहली शर्त अल्लाह का इजन हो अल्लाह तला इजाजत देगा तो कोई सफारशी सिफारिश करेगा जैसे आता ना कोई कोई बच्चा हाफिज हो जाए तो माँ बाप के लिए और खानदान के दस लोगों की शफात करेगा शहीद शफात करेगा नबी अलैहि वसल्लम शफात करेंगे ये शफात है ये सच है ये ऐसा नहीं कि है नहीं और ये किसके लिए कुफार के लिए नहीं ये मोमिनों के लिए फर्क समझ लीजिए ना तो ये मोमिनों के लिए होगी अब मोमिनों में से भी सबसे पहली बात यह कि अल्लाह की इजाजत पहले मिले चाहे फरिश्ते सफारिश करे या नबी सल वसलम करे या कोई भी करे दूसरी शर्फ जिसकी शफात की जा रही है अल्लाह उससे राजी हो कि हाँ इसके हक में आप कर सकते हैं। आता ना नाय मन अल्लाज रहमान वकाला, सवाबा कोई नहीं बोलेगा मगर वो जिसको अल्लाह इजाजत देगा तो पहली इजाजत बोलने के लिए दूसरी इजाजत शफात करने के लिए कि इसके हक हाँ में शफात कर सकते हैं अगर अल्लाह ताला तला हाँ इसके हक हाँ में शफात करो तो ऑनर दिया जाएगा करने वाले को क्या हाँ लेकिन अगर, अगर अल्लाह ताला इजाजत नहीं देगा कि नहीं इसके हक हाँ में शफात नहीं हो सकती क्योंकि इसका फलात जुर्म बहुत बड़ा है फिर शफात नहीं होगी हाँ अब अगला मरहला वो अपने गुनाहों की वजह से जानना में चला जायेगा लेकिन ईमान चूके होगा तो जब सजा पूरी कर लेगा तो फिर नबी सल्लाम की शफात से निकाला जाएगा एक दफा निकालेंगे आप लोगों को फिर औरों को निकाले फिर हत्या के आखिरी शख्स भी जिसके अंदर राय के दाने बराबर भी ईमान निकाल लिया जाएगा शफात यानी ये शफात यूं है मरहलावा ऐसे नहीं है खुली शफात के हम जो दिल चाहे करें और उसके बाद कहें कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है लिहाजा आपकी शफात से हम सब आपका पल्लू पकड़ के हम भी जन्नत में चले जाएंगे इस तरह के कॉन्सेप्ट दीन में नहीं है लोग यही समझते नहीं मैंने इसीलिए इस मौके पर शफात का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहा कि शफात है किसके लिए है कौन कर सकता है किस तरह उसकी शराय क्या है ये हम सब मुसलमानों को पता होनी चाहिए ताकि हम किसी गलत फहमी में न रहे खुलासा ये की जो सफारिश का हकदार होगा उसकी सिफारिश होगी और शफात उसको फायदा देगी जिसके लिए रहमान पसंद करेगा योम इदिनला तन्फाउ शफा अत मन अजिन अल्लाहमान वी अल्ह कौला उस दिन सफारिश फायदा न देगी मगर जिसके लिए रहमान इजाजत दे और जिसके लिए वो बात करना पसंद फरमाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफात की इजाजत मिलेगी आपने फरमाया कि पांच चीजें मुझसे पहले किसी को नहीं मिली ओती तो शफा मुझे शफात का हक मिला है इसीलिए एक शफात कुबरा है वो शफात जिसकी वजह से हिसाब किताब शुरू होगा और फिर दूसरी शफात है जिसकी वजह से लोग जहन्नम से निकाले जाएंगे और ये अल्लाह के इजन से होगा और ये हर तोहिद परस्त मुसलमान के लिए होगा बिन मालिक कहते हैं हमने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप अल्लाह से दुआ फरमाइए कि जो लोग शफात के अहल हैं हमें उनमें कर दे यानी हमारे लिए भी शफात लिखी जाए आपने फरमाया वो हर मुसलमान के लिए होगी यानी जो भी कलमा पढ़ने वाला है उसके लिए शफात होगी अब ये है कि वो किस वक्त होगी और वो कब उसकी वजह से निकलेगा उस सजा से लेकिन इसके लिए खुलूस दिल के साथ ला अला कहना बेहद जरूरी है और ये नाफरमानों के लिए होगी लाला अल्लाह पढ़ लिया और उसके बाद फिर उसका पास नहीं रखा और इसके लिए एक हदीस में मजीद वजाहत आप देख लीजिये रसुल्ला सल्लाम ने फरमाया इस कबले वालों यानी ईमान वालों में से इतने लोग जहन्नम में दाखिल होंगे जिनकी तादाद अल्लाह के अलावा कोई शुमार नहीं कर सकता ये किन की बात हो रही है कलमा पढ़ने वालों की इस वजह से कि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की थी लाइला तो पढ़ा था लेकिन अमल कुछ नहीं किया उसके मुताबिक और उसकी नाफरमानी पर जुरत की थी यानी खुल के नाफरमानिया की और उसकी इताद की मुखालफत की थी कहा गया ये करो का नहीं करते चुनाचे मुझे शफात की इजाजत दी जाएगी बस मैं सजदे की हालत में अल्लाह की ऐसी तारीफ करूंगा जैसे मैं कयाम में तारीफ करता हूँ यानी खड़े होकर सुबह न कर फिर मुझसे कहा जाएगा अपना सर उठाओ और मांगो तुम्हें दिया जाएगा और सफारिश करो कबूल की जाएगी तो फिर उसके बाद में सफारिश करूंगा और जो शख्स चाहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफारिश उसको क्यामत के दिन मिले उसे आजान सुनकर एक दुआ पढ़नी चाहिए किस किस को आती है अल्लाह मरबाजा जी आखिर तक ठीक है और आपके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह आपको वसीला अता करे और वसीला वो मकाम है यानी मकाम महमूद को भी वसीला कहा गया और एक खास जगह जो जन्नत में एक बंदे के लिए और वो आपके लिए तो जो ये करेगा तो क्या के दिन उसके लिए शफात होगी यानी जो ये दुआ पढ़ेगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वसीला मांगेगा इसी तरह शहीद के बारे में आता है कि उसके अहल खाना के सत्तर आदमियों के हक में उसकी शफात कबूल की जाएगी कुछ लोगों को ज्यादा शफात का हक दिया जाएगा कुछ लोगों को कम दिया जाएगा अब ये भी किसका फैसला होगा अल्लाह का फैसला तो असल मालिक कौन है फिर अल्लाह लिहाजा सहारों पर डिपेंड नहीं करना चाहिए किसको राजी करना चाहिए अल्लाह को शफात एक ऑनर है जो दिया जाएगा इज्जत और मकाम है जो दिया जाएगा अम्बिया को शहदा को सालिहन को कि वो दूसरों के लिए सिफारिश कर सके लेकिन ये किसी के इख्तियार में नहीं होगा इजाजत के बगैर नहीं होगा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में से एक आदमी लोगों की जमात की सिफारिश करके बड़े ग्रुप की करेगा और वो उसकी शफात से जन्नत में दाखिल होंगे कोई पूरे कबीले की शफात करेगा तो वो उसकी शफात से जन्नत में दाखिल होंगे कोई आदमी एक शख्स की अपने घर वालों अपनी इमीडिएट फैमिली के लिए शफात करेगा वो उसकी सिफारिश से जन्नत में दाखिल होंगे तो हर एक का जो मकाम है वो अलग होगा यानी कोई बहुत नेक होता है कोई अल्लाह के बहुत मुकर्रब होता है उसको ज्यादा फैसिलिटेट किया जाएगा, उसको ज्यादा मौका दिया जाएगा और कुछ उससे कम कुछ उससे कम फिर ये तो सब कुछ अल्लाह के हाथ में है अल्लाह के अख्तियार में है जो वो चाहे करे वाला यु खदिन हा अदल उन और न उससे कोई अदल कबूल किया जाएगा अदल कहते हैं इवज को के कम्पन्शन जिसकी वजह से वो सजा से बच सके दुनिया में जब किसी शख्स पर सजा वाजिब हो जाती है तो बाजुकात वो उसका बदल देकर इवज देकर पैसे देकर मुआवजा देकर अपना फिदिया दे देता है और छुट जाता है लेकिन आखिरत में ऐसा नहीं हो सकेगा क्यामत के दिन कुछ भी फिदिया कबूल नहीं किया जाएगा कुरान मजीद में आता है सूरत मदा थर्टी सिक्स इन्दी न कफर लह लहु मा फिल दी जमी अन बिसह लिया मिन अदा बी ओ मिल्कियामती माँ तो खुबिलहूम लहु मजाब नलीम बेशक जिन लोगों ने कुफर किया अगर वाकई उनके पास जमीन में जो कुछ है वो सब और इसके साथ इतना और भी हो ताकि वो उसके साथ क्यामत के दिन के अजाब से फिदिया दे, दे दें तो उनसे कबूल नहीं किया जाएगा यानी पूरी दुनिया की दौलत भी आप अगर देना चाहें कि ये ले लें और मुझे छोड़ दें कबूल नहीं किया जाएगा कुछ हाँ दुनिया में आप एक खजूर खुलूस के साथ अल्लाह के रास्ते में दें और वो कबूल हो जाए तो वो भी आग से छुटकारे के जरिये बन सकती है डिपेंड करता है कि आपने जो दिया वो किस नियत के साथ और किस जज्बे के साथ दिया काफिर जो है वो जमीन भर सोना देने की ख्वाहिश करेंगे लेकिन वो उनसे कबूल नहीं किया जाएगा सूरत अलमारिज में आता है ना वलायस अल हमीम उन हमीमा कोई दिली दोस्त किसी दिली दोस्त को नहीं पूछेगा हालांकि वो उन्हें दिखाए जा रहे होंगे सामने नजर आ रहे होंगे फ्रेंड्स लेकिन वो पूछेंगे नहीं हाल भी नहीं पूछेंगे मुजरिम चाहेगा काश उस दिन के अजाब से बचने के लिए फिदिये में दे दे अपने बेटों को अपनी बीवी को अपने भाई को इन प्यारे रिश्तों को इनको चुका दे और अपने खानदान को जो उसे जगा दिया करता था और उन तमाम लोगों को जो जमीन में पूरी दुनिया के लोगों को अपने हिस्से में जानना में देने को तैयार होगा फिर अपने आप को बचा ले कल्ला पॉसिबल ही नहीं बदले में कोई भी नहीं आएगा न कोई मुआवजा और ना कोई बदला आपके बदले में कोई और चीज नहीं वलाहम हम सरून और तीसरी चीज ना वो मदद दिए जाएंगे यानी कोई भी उनकी मदद के लिए ना तो आगे बढ़ेगा और अगर कोई बढ़ना भी चाहे तो उसको आगे नहीं आने दिया जाएगा क्योंकि ये तीन चीजें ही किसी की सजा कम करा सकती है ना मसल दुनिया में अगर कोई प्रिजन में चला जाए कैद में चला जाए तो या वो सिफारिश से छूट सकता है या वो किसी को पैसे दे के और या फिर कोई मदद करता है जेल तोड़ने के लिए और निकल आते हैं लोग कुछ भी वहां नहीं कोई जेल नहीं तोड़ सकेगा जेल ब्रेक नहीं है वहाँ बेबस होंगे वहाँ वह खून अफीहा रबना अखरिजना चीखेंगे कहेंगे अल्लाह निकाल इससे हम कोई नेक काम करे लेकिन क्या होगा कहा जगह इसी में पड़े रहो आप देखे अगर किसी वक्त काम करते हुए आपकी एक उंगली भी जल जाए तो क्या हाल होता है किचन में सब खुवान को ये एक्सपीरियंस होगा छोटा सा भी आबला बन जाए कितनी इरिटेशन होती है सारे काम छोड़ के ध्यान उधर उधर बार बार वो बार बार वो सोच आती है वो जगह फिर कैसी होगी चीखेंगे कि आला बाहर निकाल इसलिए इस दुनिया में जो दे सकते हैं वहां जानना से बचने के लिए चुका देना चाहिए चाहे जान माल वक्त कुछ भी कुछ भी लगाना चाहे लगा दे कुरान मजीद में आता है ला यू नली अन वला नसीरा ना कोई दोस्त ना कोई मददगार दुनिया में कोई प्रॉब्लम आती है दोस्त आ जाते हैं हम हम हेल्प कर देते हैं आपकी मूविंग होती है तो क्या होता है फ्रेंड्स को बुला लेते मिलजुल के पैकिंग करते हैं मूव कर जाते हैं वहां कोई दोस्त नहीं आएगा और कोई मददगार कोई हेल्पर भी नहीं आएगा या फिर दोस्त नहीं आते तो फिर दूसरे किस को बुला लेते पेड पेड़ हेल्पर्स को बुला लेते हैं। वहां कोई पेड हेल्पर्स भी नहीं होंगे तो इस साइज से बड़ी वाज तौर पर बनी इसराइल को तो नसीहत की गई लेकिन हम सबके लिए भी नसीहत है कि हमें क्यामत के दिन से डरते रहना चाहिए फिर ये याद रखना चाहिए कि दुनिया में लोग एक दूसरे के काम आ जाते हैं वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा शफात सिर्फ मुस्तहक को नसीब होगी वहाँ कोई फिदिया कुछ काम न आएगा किसी किस्म की कोई मदद नहीं मिलेगी वाली और जब हमने तुम्हें आले फिराउन से निजात दी वो तुम्हें सख्त अजाब देते थे वो तुम्हारे बेटों को जबा कर डालते और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी यहाँ से बनी इसराइल पर किए जाने वाले इनामत और उन्हें दी जाने वाली फजीलत की तफसील शुरू होती है जिसका जिक्र पीछे गुजर चुका है यहाँ से कई रुकूबात तक मुसलसल ऐसे वाकयात आएंगे, बनी इसराइल की तारीख के मशहूर वाकयात, जिन्हें उस वक्त के अहले किताब अच्छी तरह जानते थे उनकी यहां तफसील नहीं बयान होगी बहुत ज्यादा लेकिन उनकी तरफ इशारा किये जायेंगे क्योंकि मदीना के अहले किताब अच्छी तरह इन वाकयात को जानते थे अपनी तारीख को जानते थे इन वाकयात को बयान करने का मकसद क्या है कि देखो ए बनी इसराइल एक तरफ तुम पर अल्लाह ताला के ये एहसानात हैं और दूसरी तरफ तुम्हारे ये अमाल है तुम जो जवाब में कर रहे हो क्या एहसान करने वाले के साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है तो यहां पर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि ए याकूब के बच्चों ए इसराइल के बच्चों इसराइल किसका लकब था याकूब खूब सलाम का था कि याद रखो मेरी उस मेहरबानी को भी जो आले फिरौन और उसके पैरोकारों के बदतरीन अजाब से छुटकारे की शक्ल में मैंने तुम पर की वो तुम्हारे बेटों को दबा करते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे इबन अब्बास कहते हैं कि फिरान और उसके दरबारियों ने बाहम मशवरा किया कि बनी इसराइल का कहना है कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि उनकी औलाद में अंबिया और बादशाह पैदा फरमाएगा तो उनका बंदोबस्त होना चाहिए तो उन्होंने ये फैसला किया कि ऐसे आदमी मुकर्र किए जाये जिनके पास छुरी हों बनी इसराइल में चक्कर लगाते रहे जहां कोई नया बच्चा मिले जबा कर दे तो उन्होंने ऐसा ही किया जब देखा कि बनी इसराइल के बड़ी उम्र के लोग मरते जा रहे हैं बूढ़े लोग और बच्चे जबा हो रहे हैं तो उन्होंने कहा इस तरह तो तुम बनी इसराइल को फना कर दोगे फिर खिदमत और मशक्कत जो तुम्हारी जगह वो करते हैं तुम्हें खुद करनी पड़ेगी तो एक साल बच्चे जबा करो और एक साल रहने दो लिहाजा जिस साल हजरत हारून पैदा हुए थे उस साल बच्चे जबा नहीं हो रहे थे और जिस साल मूसअ सलाम पैदा हुए उस साल बच्चे जबह हो रहे थे बहरल पहले हर बच्चे को जबह किया जा रहा था फिर एक साल के गैप के साथ जबा किया जा रहा था लेकिन ये सिलसिला जारी था और इन रिवायात की तयद सूरत अल्कस की आयात करती है जिसमे अल्लाह तला ने मूसअ सलाम की वालदा की तरफ वही की इसको दूध पिलाती रहो जब दुश्मन का खौफ हो तो इसको दरिया की नजर कर देना और फिर वो वाकई इनशाला आगे आप तफसील से पढ़ेंगे तो बहर आल और उसकी आल ने ये सब क्यों किया था बनी इसराइल की तादाद कम करने के लिए कि इनके अंदर अम्बिया और मलूक पैदा न हो जाए और ये हमारी हुकूमत के लिए खतरा न हो जाए और वैसे भी आपने एक और कहानी भी सुन रखी होगी कि फिर ऑन को ये ख्वाब आई थी कि एक बच्चा पैदा होगा बनी इसराइल में जो उसकी हुकूमत खत्म कर देगा तो बहरअल अल्ला बेहतर जानता है इन वाक्यात को लेकिन रीजन जो भी थी ऑब्वियस रीजन ये नजर आती कि उन्हें बनी इसराइल की बढ़ती हुई आबादी से खौफ आने लगा कि ये कल को ज्यादा हो गए तो ये हमारे ऊपर छा जाएंगे। वो इस नजीना को मिन आल फिराउन न यसुमु न कुमसु अलादाब जब निजात दी हमने तुम्हें मिन आल फिराउन आल के दो माने होते हैं एक अहल बैद यानी आल अहल सेह और दूसरा पैरोकार यहाँ फिरौन के घर वाले मुराद नहीं बल्कि इससे मुराद कौन है पैरो का फॉलोअर्स उसकी कौम के लोग उसके दरबारी उसके वजीर वगैरह जो भी उसके कारिंदे थे तो अल्लाह सुबहान फरमाने व इज इज में क्या छुपा हुआ है उज कुर कुरान मजीद का ये उसलूब है अल्लाह सुबहानी कई जगह पर इसको वाजे भी करते वज कुर फिल किताब इब्राहिम वज कुरफिल किताब इस्माइल यानी वहाँ इसकी बजाय उज कुर का लफ्स आता है कहीं आता वतलू अलई आता ना उतलू 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 कहीं आता कुल कुल तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके बात की जाती है और फिर उसके बाद एक तरीका व इज का भी है ये मुख्तसर है उजकुर की जगह पर कि याद करो वो वक्त जब ऐसा हुआ था वह इज नज नाकुम व इस फरकना व वा इज व आदना व वा इसका आलम उ बहुत आता है आगे कई आयात में इसका लफ्स आता रहेगा हर जगह ये समझ जाइए खुद कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप जिक्र कीजिए इनके सामने उस वाक का जब हमने इन बनी इसराइल को आले फिरौन से निजात दी थी जो उसके तौर तरीके पर थे उसकी मिल्लत पर थे उसके दीन पर थे चाहे उसके नसब से थे या नहीं थे और फिरौन मिस्र के बादशाहों का लकब था जैसे रूम के बादशाह को कैसर फारिस के बादशाह को किसरा कहते मिस्र के बादशाह को फिरौन कहते थे यसूमू नकुम यसोमुना के तीन माने हैं एक है ईजा देना यानी वो तुम्हे ईजा देते थे दूसरा है मुश्किल काम की तकलीफ देना यानी वो तुमसे मुश्किल मुश्किल काम करवाते थे कुछ मालूम है कौन से कुछ पढ़ रखा है आपने कभी हाँ बड़ी बड़ी इमारतें बनवाते और बहुत मजदूरी के काम लेते उनसे और तीसरा है बदतरीन अजाब में इजाफा करना यानी वो तुम्हारे बदतरीन अजाब में इजाफा करते जा रहे थे न तो अल्लाह तोल्ला ने उसके मुकाबले में उनको फिर उसी तरह खूब निजात दी फिर और उसके साथियों से जो लोगों पर जुल्म करते थे और यही उसके वजीर और लोग थे जो फिरोन को बनी इसराइल के खिलाफ भड़काते रहते थे फिरौन एक नहीं कई एक गुजरे हैं ये फिरन वो है जो सलाम के जमाने में था इस दौर में आकर बनी इसराइलों पर ज्यादा जुल्म होने लगे थे शुरू में तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में इनकी बड़ी इज्जत थी क्योंकि यूसफ अलैहिस्सलाम के पास बादशाह थी लेकिन फिर वक्त के साथ साथ इनके हाल पतले होते दीन को छोड़ा तो अल्लाह ने दुनिया में भी जिल्लत उन पर मुसलत कर दी बहरहल अब ये जो बनी इसराइली थे इन पर जो जुलम्म सितम हो रहे थे तो अल्लाह सबाता ने खास इंतजाम किया उस जुलम्म सितम से इनको निकालने का उस जुलम का एक छोटा सा वाकया यूं भी देखिये कि आपने ये कहानी भी शायद पढ़ी मैं सिर्फ हिंट्स दूंगी मोटे मोटे नबी वसल्लम जब इसरा की रात गए थे मेराज पर तो वहाँ एक जगह से बहुत ही अच्छी खुशबू आई तो आपने पूछा जिब्रील ये खुशबू कैसी है तो उन्होंने बताया कि ये फिरान की बेटी की मशाता है निकंगी करने वाली है उसका मेकअप करने वाली उसकी खादमा है और उसकी औलाद की खुशबू है मैंने पूछा किस्सा क्या है तो कहा खादमा एक दिन फिरौन की बेटी की कंघी कर रही थी कंघी हाथ से चुट के गिरी तो उसने बिस्मिल्ला पढ़ के उठाई तो फिरौन की बेटी कहने लगी कि क्या तुमने मेरे बाप का नाम लिया तो कहा नहीं मैंने अल्लाह का नाम लिया जो मेरा तुम्हारा तुम्हारे बाप का भी रब है तो उसने कहा कि मैं इसकी खबर अपने वालिद को दे दू तो उसने कहा जरूर जब बाप तक बात गई फिरोन तक बात गई तो उसने फिर बुला के पूछा कि तुम्हारा कोई और रब भी है उसने कहा मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह ने साफ साफ बताया उसके बाद उसको और उसकी औलाद को आग में फेंके जाने का हुक्म मिला और फिर वो जलकर कोयला हो गए यानी एक के बाद एक बच्चा पहले फेंका गया और जब छोटा बच्चा जो दूध पीता था उसको जो फेंकने लगी तो माँ जरा सी हटिचक और फिर उसने कहा नहीं माँ तुम भी कूद पड़ो तो मुझे भी फेंको तो बहरहाल दुनिया में तो अजाब हुआ लेकिन अल्लाह सब तला ने वहाँ बहुत अच्छी जगह दी तो इससे अंदाजा कर सकते हैं कि एक बिस्मिल्ला कहने की भी इजाजत नहीं थी उनको और सूरत अलबरूज के शुरू में भी आता है ना अगर आप उसका तर्जमा पढ़े तो उनको बड़ी बड़ी आंख की भट्टियों में गिराया गया था एक और कौम के बारे में आता है उनका भी कसूर सिर्फ इतना था कि वो लाला ला पढ़ते थे आज हम लोग कितने खुशकिस्मत है कि हमें लाइला अल्लाह ला पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं सौ दफा दिन में बिस्मिल्ला कहे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन फिर भी हम इस आजादी से फायदा नहीं उठाते बहरहाल युज्ब होना अब ना युना निशान युज्ब होना मुबालका है इसमें बुरी तरह जबा करते थे बुरी तरह ज़बा करते थे जबा करने में भी एक होता है ना एहसान के साथ जबा करना वस्ता ही न निकों और तुम्हारी औरतों को छोड़ देते थे फिर वो उनको फिरौनी अपना गुलाम बना लेते थे वफीजाल बलाउ में रब को अजीम और इस वाक्य में तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी इन हालात में बहुत बड़ी आजमाइश थी तुम्हारे रब की तरफ ऐसी बला का लफ्स जो ना इम्तहान और आजमाइश के लिए होता है खा मुसीबत के साथ हो या इनाम के साथ में में आता। हम तुम्हें अच्छाई बुराई दोनों के साथ आजमाते हैं यानी नेमतें भी आजमाइश होती हैं और तकलीफें भी आजमाइश होती हैं तो यहाँ पर दोनों माने आ सकते हैं कैसे यानी निजात तुम्हारे रब की तरफ से क्या था एक इम्तिहान था तुम्हारे लिए इन एक बहुत बड़ा इम्तिहान था और तुम्हें निजात दे दी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हो गया लेकिन तुमने फिर कितना शुक्र अदा किया और दूसरा ये कि ये सब कुछ जो हो रहा था तुम्हारे साथ ये क्या था अल्लाह की तरफ से तुम पर इम्तिहान आया हुआ था तुम्हारे बेटों को जो जबा किया जा रहा था ये अल्लाह के इज्जन से हो रहा था क्यूँ किसी कौम के साथ ऐसा क्यों होता है जब अल्लाह की नाफरमानी करती है मतलब ये है आले फिरौन से निजात मिलना एक खैर की बात थी और ये निजात एक इनाम था इसमें भी इम्तिहान था और दूसरी तरफ फिर का इन पर मुसल्लत होना और इनको अजाब देना भी एक इम्तिहान था एक सख्त बड़ी मुसीबत थी इनकी नस्ल और कौम खत्म होती जा रही थी इनकी बच्चियां गैर कौम के इस्तेमाल में आ रही थी और तीसरे ये कि अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद को जबा होते देखते थे यानी आप सोचे कि आप मसलन हॉस्पिटल में आपने बच्चा डिलीवर किया है बेटा है खुशखबरी है और वो उठाकर आपके सामने उसका सर उतार दिया जाए या किसी भी तरह किल कर दिया जाए तो माँ और बाप और खानदान के लिए कितना बड़ा सदमा हो सकता था तो अल्लाह तला ने सलाम के जरिए बनी इसराइल को इन तमाम मुसायब से निजात दी और ये अल्लाह तला की बहुत बड़ी नमत और बहुत बड़ा एहसान था तो ईसाई से पता चलता है की दुश्मन से निजात मिलना बहुत अजीम नियमत है फिर ये की अल्लाह तला खैर और शर दोनों से आजमाता है तकलीफ से आजमाइश पर अल्लाह ताला ये देखता है कि बंदा कितना सबर कर सकता है और इनाम के जरिए ये देखा जाता है कि यह बंदा कितना शुक्र अदा करता है और अल्लाह को कितना याद करता है यहाँ बेटों का जबा करना भी आजमाइश थी और औरतों का जिंदा छोड़ा जाना भी वो उससे बड़ी आजमाइश क्योंकि जब औरतें बेटों के बगैर भाइयों के बगैर मर्दों के बगैर किसी माशरे में रह रही हो तो वो कमजोर होती है ना तो फिर उनके साथ क्या होता है रिसेंटली मैं देख रही थी किसी खातून के बारे में उसने अपना वाकयात बताए हुए थे कि किस तरह वो किसी मुल्क में थी जहां उस पर कोड़े पड़ने थे वहां से वो भाग के फ्रांस आई और फिर फ्रांस से पता नहीं कहा से कहा और जहां वो गई उसके साथ क्या कुछ पेश आया और किस तरह यानी इतनी दिलदोज कहानी थी तो मैं सोच रही थी कि ये कितनी बड़ी आजमाइश है यानी एक तन और जो किसी जगह रह रही हो और उसका न बाप हो न भाई हो न कोई अजीज हो न रिश्तेदार हो और जिस मर्द ऐसी उसका वास्ता पड़े वो उससे किसी और चीज का तकाजा करे तो छोटा सा इम्तिहान नहीं है तो ये तुम्हारी औरतों का जिंदा छोड़ा जाना ये खासतौर पर मैंशन किया गया की कि ये एक इम्तिहान था वह इस तरह और जब हमने तुम्हारे लिए समुन्द्र को फाट दिया फिर हमने तुम्हें जात दी और आले फिरौन को गर्क कर दिया जबकि तुम देख रहे थे तुम्हारी आंखों के सामने गर्क किया तुम्हारे दुश्मन को यानी इन्हें जात किस तरह दी उसकी थोड़ी सी तफसील बताई जा रही है की जब मूसलाम मुद्दत फिर को और उसकी कौम को समझाते रहे और बनी इसराइल जुल्म और सख्तियाँ सह रहे थे तो फिर अल्लाह का फैसला आ गया कि इस कौम को अपनी जात दी इस ज़ुल्म से तो मूसअल बनी इसराइल को मिसर से निकालकर कनान की तरफ जिनका असल वतन था उस तरफ रवाना हुए तो रास्ते में समुन्दर आ गया फिर उनको पता चल गया कि बनी इसराइल निकल चुके हैं तफसीलात आ गया इनशाला कुरान मजीद में पढ़ेंगे इस वक्त सिर्फ मुख्तर इशारा है तो वो खबर पाकर अपने सारे लोगों लाओ लश्कर को लेकर मुसीम के पीछे चल पड़ा मुसीम को नहीं मालूम था आगे जाकर कौम ने परेशान किया कल्ला इन्ना मायर रब्बी सयादी कौन ने कहा कि आगे समुद्र है पीछे दुश्मन हम कहा जाए नहीं, नहीं अल्लाह मेरे साथ है कुछ रास्ता निकालेगा तो दोबारा जब मुसलम समुद्र पे पहुंचे उन्होंने असा मारा सड़क बन गई रास्ता बना सारे बनी इसराइली उस पर चढ़ गए और फिर समुन्दर पार कर गए जब फिर और उसके लश्करों ने देखा के वो तो समुन्दर पार करके जा रहे तो वो भी उसी रस्ते पर आ गए और जो समुद्र के बीच पहुंचे लहरें दोनों तरफ से वापस मिली और फिर और उनकी आंखों के सामने अपने लाओ लश्कर समेत डूब गया तो यह है निजात का किस्सा व इस फरक नाह वो वक्त भी याद करो इसराइल की औलाद जब हमने तुम्हें लेकर समुद्र को फाड़ दिया फर्क कहते हैं दो चीजों के दरम्यान फासले को दोनों को अलग अलग करना फर्क करना यानी जैसे वो कुरान फरक न हो कुरान को हमने जुदा जुदा करके नाजिल किया यानी फिर सूरतों में तकसीम किया और आयात वगैरह में वारालाम तो अल्लाह सुबह ने समुन्दर को फाड़ दिया इनके लिए और बा यहाँ सबबिया भी बताया जाता है तुम्हारी वजह से समुन्दर को फाड़ दिया यानी तुम्हारे लिए और लाम के माने में भी आता है और बाहर का लफसी माना होता है शक और बाहर जमीन के अंदर शक ही होता है यानी बाहर अगर देखे ना तो जमीन के अंदर गढ़े हैं समुन्दर जो है वो जमीन के अंदर गढ़े हैं डीप डाउन और उसके मुकाबले पहाड़ ऊपर उठे हुए हैं तो इसी तरह जिस जानवर का कान शक किया जाए उसको बहिरा कहा जाता है कुरान में आगे आएगा और बाहर का लफ्ज वुस्सत के लिए इस्तेमाल होता है कहा जाता है फुला इल का समुन्दर है ठीक है तो बनी इसराइल मिस्र से निकले डरे हुए सहमे हुए और रास्ते में जब समुन्दर आया तो अल्लाह तला ने उनके लिए रास्ता बनाया हर टुकड़ा पहाड़ की तरह जामिद हो गया वो आराम से निकल गए वह अनजई नाकुम व अगरकना आला फिर और आले फिर वहीं पर डूब गए वह अंतम तंजरून तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे आंखों के सामने गर्क किया ये क्यों ताकि वो देख ले यकीन आ जाए क्योंकि इतना बड़ा जालिम दुश्मन कोई हो ना तो खबर मिले कि वो मर गया है यकीन नहीं आता ना कि ये नहीं हो सकता इतना खौफ होता है उसका तुम्हारे सामने ताकि तुम पूरा यकीन हो कि अब नहीं है वो तुम्हें निजात मिल चुकी है तो इस ईसाई से पता चलता है कि अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है वो समुन्दर से भी निकलने का रास्ता बना सकता है अल्लाह ताला अपने दोस्तों की ऐसी जगह से मदद करता है जहां से वो गुमान भी नहीं कर सकते अल्लाह का फजल है ये ये फजीलत है ना फजल वहां से मदद जहां से सोच भी नहीं सकते और दुश्मन का नजरों के सामने हलाक होना भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है ताकि अल्लाह उनके सीनों को ठंडा कर दे और फिर ये बात पता चलती है कि सरकश इंसान का अंजाम बहुत बुरा होता है उसको मोहलत जरूर मिलती है लेकिन एक दिन वो पकड़ा भी जाता है और ये वाक जो था ये दस मुहर्रम को पेश आया था आशूरा के दिन और मदीना के जो यहूदी थे वो इस दिन शुक्राने का रोजा रखते थे और इस दिन का रोजा रखना जो है वो हमारे लिए भी मशरू है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौवी के रोजे की बात की थी और ये एक साल के गुनाहों का कफारा है इसका एहतम करना चाहिए नबी सल सलम के जमाने में बच्चे भी आशूरा के दिन का रोजा रखते थे तुम और जब हमने मूसा से 40 रातों का वादा लिया फिर तुमने उसके जाने के बाद बछड़े को मबूद बना लिया और तुम जुल्म कर रहे थे ये वाक्य उस वक्त हुआ जब फिर से निजात पाने के बाद बनु इसराइल जजीरा नुमाया सीना में पहुंची बाद ये सीना में पहुंचे वहाँ अल्लाह तला ने मूसअ सलाम को तोराद देने के लिए चालीस रातों के लिए कोहितूर पर बुलाया कोहिरोसअ सलाम के जाने के बाद बनी इसराइल ने सामरी के पीछे लगकर बछड़े की पूजा शुरू कर दी फरमाया वना वा अरबी नई लतन जब हमने मूसा सलाम से चालीस रातों का वादा लिया इस लफज उस के लिए है फिर और अल्लाह का वादा लेना मुराद ये की मियाद मुकर्र करना यानी एक अपॉइंटमेंट वादा यहाँ मियाद के मानों में है मैंने जब हमने मूसा से तीस रातों की मियाद मुक्र की मैनी वादे का वक्त और जगह ठीक है और यहाँ चालीस दिनों की बात नहीं हुई चालीस रातों की बात हुई क्योंकि अरबों के यहाँ ये यह उसलूब है वो हम दिन इस्तेमाल करते हैं, वो रात इस्तेमाल कर रहे ठीक है हमारा कैलेंडर शमसी है उनका कैलेंडर कमरी है कमर रात को होता है शमस दिन को होता है सुमतखस तुम लेझला में बा तुमने बछड़े को माबूद बना लिया सलाम के कोहतूर पे जाने के बाद बनी इसराइल ने पीछे बछड़ा मबूद बना लिया यहां पर इलाह का लफ्स मबूद का लफ्स नहीं आया सिर्फ ये आया कि तुमने बछड़े को बना लिया क्या बना लिया मबूद वो उन्हें पता था क्या बनाया था उन्होंने जिक्र नहीं किया गया क्यों वो इलाह था ही नहीं वह अन तुम और तुम ालिम थे तो इससे पता चलता है कि कुफर और शिरक बहुत बड़ा जुल्म है मजीद में था बल काफिरू न होफिर ही सबसे बड़े ालिम है और लुकमान सलाम ने अपने बेटे को वसीयत की थी या बोनैया तो शिक्ला इन न शिर अटे शिरक न करना क्यूंकि शिरक बहुत बड़ा जुल्म है ठीक है गुनाह भी जुल्म है जुल्म कहते है न कि किसी चीज को अपनी जगह से हटा के किसी और जगह रख देना यानी उसको उसका हक न देना अल्लाह का हक क्या है कि उसकी इबादत की जाये जब हम अल्लाह की इबादत या इतात करने के की बजाय नफ्स की इतात करने लगते हैं या लोगों की तो फिर क्या करते हैं अल्लाह का हक नहीं देते जुल्म करते हैं तो गुनाह भी जुल्म है पमिन नफ्सी तो क्या क्या चीज जुल्म है कुफुर शिर गुनाह गुना। गुना। कुफुर और शिरक तो हम नहीं करते लेकिन गुनाहों से भी तोबा करनी चाहिए उससे बाहर निकलना चाहिए तो उन्होंने बछड़े को मबूद बनाया था सोचिए जरा अल्लाह ने उनको निजात दी फिर से जो गाय के पुजारी थे उन्हीं के असरात से इनके अंदर भी गाय की एक हरमत आ गई थी और उसके असरात आज तक बाकी हैं आज भी कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर मसलन फ्रूट बेच रहे हैं और गाय आ गई और वो सारा फ्रूट खराब कर गई है तो वो खुश होते हैं कि हमारे इलाह ने बरकत डाली है और उसने पसंद किया हमारी रेडी को बहरहाल तो बछड़े को मबूद बनाने का वाकया आगे तफसील के साथ आएगा सूरत आराफ में मुसलम को तूर पर सख्तियां मिली थी और अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया था साबरी ने पीछे से लोगों को गुमराह किया से जो खास बात पता चलती है वो ये कि बनी इसराइल ने नेमत पाकर शुक्र अदा करने की बजाय क्या किया ना शुक्री की ठीक है सरकशी की अल्लाह सुबहान ताला की हिकमत थी कि तौरात चालीस रातों में दी गई थी पहले तीस रात के लिए बुलाया गया तो दस और बढ़ा दी गई चालीस फोर्टी डेज हालांकि वो लिखी हुई थी अल्लाह ताला चाहते तो क्या करते पकड़ा देते वो आए हैं अच्छा ये रखिए ले जाओ बस चले जाते मैं खुद ही पढ़ लूंगा कहाँ बुलाया कोहेतूर पहाड़ पर पहाड़ चढ़ाया वहाँ किस किस किस्म के खाने होते थे जब वो किताब ले रहे थे क्या कुछ मिला हुआ था उनको कितने लोग उनके साथ थे वहाँ बिल्कुल अकेले थे पहाड़ अकेले कैसा कैसा खौफ होगा रात भी और दिन भी और खाने के लिए सिर्फ नेचुरल वहां कोई जड़ी बूटियां वगैरह होंगी और इस तरह की चीजें को पका हुआ खाना नहीं यानी रोजे पे रोजे रख रहे थे और मुशक्क़त में इम हासिल कर रहे थे इल्म राहत बदन के साथ नहीं मिलता क्या आप अपनी हर पसंद की चीज भी खा सकें और उसके साथ इम भी हासिल कर सकें इदरी साहब कह रहे थे की आज फजर की नमाज के बाद फिर कोई साहब उनको मिले वो कहते है कि खातिन को बहुत काम मिल रहा है उन्हें क्या क्या काम मिल रहा है उनका उनको हदीस भी पढ़ाते हैं उनको तजवीज भी पढ़ाते हैं उनको तर्जमा भी कराते हैं, उनको तफसीर भी कराते हैं, तो ये उनके लिए टू मच है मुझे डर है मेरी वाइफ छोड़ ना दे आप में से कोई होगा बहरहाल नाम ना मैंने पूछा ना उन्होंने पूछा जो भी है तो कहते मैंने उनसे कहा आप उनकी हेल्प कर दिया करे कुछ काम खुद कर लिया करे ताकि वो पढ़ सके तो बहरहाल आपने एक सफर शुरू किया ना मुशक्कते होंगी लेकिन कोहे तूर वाली मुशक्त नहीं है सारी नियमतें मौजूद है सिर्फ हमारा है जो फालतू फारे का वक्त है ना वो किसी काम आ रहा है और थोड़ी नींद कुर्बान हो रही है थोड़ा आराम कुर्बान हो रहा है थोड़ा खाने पीने में फर्क आ रहा है कोई बात ज्यादा बैठना पड़ रहा है सारी मशक्कत है ज्यादा बैठना भी बहुत तकलीफ देता है लेकिन कोई बात नहीं जो मिल रहा है वो वही रूम में मा यजमा वो हर चीज से बेहतर है बारह ये बनी इसराइल की नाशुक्री थी सख्त नाशुक्री और हमकत भी कि उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया अल्लाह को छोड़कर जिसने उनको निजात दी थी फिर इसके बाद भी हमने तुम्हें माफ कर दिया ताकि तुम शुक्र अदा करो अल्लाह अकबर इतना बड़ा जुर्म कि अल्लाह को छोड़कर बछड़े को मबूद बना बैठे बछड़ा बनाया किसने था सामरी ने किस चीज से बनाया था सोना कहा से आया था मिस्र से लाए थे वहां कैसे लिया था इसकी दो वजुहात बताई जाती कहते हैं कि या तो उन खत ने उधारा लिया था क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं थे या चुराया था तो जब ये निकले शुक्राने के तौर पर तो इन्होंने अपना सोना फेंक दिया सांवरी ने उठा लिया ठीक है तो उसने फिर उस सारे सोने को ढाल के तो एक बुत बना दिया बछड़े का इतना बड़ा इन्होंने जुल्म किया मुसल सलाम तो भूल गए वो तो वही बैठ गए हैं हमें तो कोई इलाज चाहिए नजर आने वाला हम उसको पूजेंगे इस इतने बड़े जुर्म के बाद तुम माफ माफाउना अनगुम हमने तुम्हें माफ कर दिया ताकि तुम शुक्र गुजार बनो ला अल्लाह शुक्र जैसा आप जानते हैं जबान से भी दिल से भी और अमल से भी शुक्र के पांच अरकान होते हैं नंबर एक अल्लाह के लिए आजजी इख्तियार करना या अल्लाह तेरा शुक्र दिल से मानना दूसरा इनाम देने वाले से मोहब्बत करना ये शुक्र का हिस्सा होता है लेकिन जो आप पर एहसान करे उससे मोहब्बत तीसरा उसकी नियमतों का इतराफ करना एक करना चौथा उसकी तारीफ करना पांचवा उस जगह इस्तेमाल करना जहां वो पसंद करे अल्लाह सब ताला इन सब चीजों का हकदार है तो शाकिर शिकूर है अम्बिया भी बड़े शुक्र गुजार बंदे थे लेकिन आम बंदों में से कम ही होते हैं इस साय से पता चलता है कि अल्लाह ताला कितना बुर्दबार है कितने बड़े बड़े गुनाह माफ कर देता है और अफ यानी मिटा देना उसके बाद उसका जिक्र न करना तो अल्लाह ताला बंदों को मोहलत भी देता है और फिर अपनी रहमत भी करता है ये मोहलत है ना गलती को माफ करके फिर नए सिरे से नेकी का मौका दिया और फिर यह है कि गुनाहों की कसरत से मायूस नहीं होना चाहिए हमें कभी भी ये पता चलता है शायद से और बड़े से बड़ा गुनाह इस्तिगफार से माफ हो जाता है आसमान की बुलंदियों तक भी गुनाह कर लिए ना किसी ने उसके भी गुनाह माफ हो सकते हैं जब वो माफी मांग ले तो माफी का मिलना शुक्र को वाजिब करता है था 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 था। और जब हमने मूसा को किताब और फुरक़ान अता किया ताकि तुम हिदायत हासिल करो एक और इनाम अब ये सीक्वेंस भी आप देख रहे हैं ना वो मिस्र से चले हैं वहाँ जुल्म हो रहा है फिर समुंदर पार किया फिर तो मिली फिर वो बछड़े पीछे मबूत बन गया फिर उस पर तोबा माफी हुई अब क्या है वो किताब जो मिली थी उसकी बात है हमने मूसा को किताब दी सी किताब थी तो और फुरकान का माना किताब ही है जो हक को बातिल के दरमियान फर्क करती है जैसे कुरान मजीद को भी फुरखान कहा गया है ऐसे तोरात को भी फुरखान कहा गया है क्योंकि उसमें भी कवानीन अहकाम थे हलाल हराम की पहचान थी क्यों दी गई लाला कोदून ताकि तुम हिदायत पाओ तो किताब किस लिए आती है हिदायत पाने के हम उसको सिर्फ सवाब कमाने की मशीन बना लेते हैं इससे सिर्फ, सिर्फ सवाब हासिल कर लें ये सिर्फ बरकत बहुत अच्छी बात है वो भी अच्छा है लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं आई किताब असल मकसद है हिदायत पाना और इसी के जरिए फुरक़ान हासिल होगा अच्छे बुरे का फर्क पता चलेगा तो लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो हिदायत हासिल कर लेते हैं और कुछ हासिल नहीं करते तो इस साइड से तौरात की फजीलत पता चलती है कि अल्लाह ताला ने उसको फुरकान का नाम दिया है और बनी इसराइल के ऊपर इनाम का पता चलता है कि किस तरह अल्लाह ताला ने उनको किताब का वारिस बनाया और उन्हें अहले किताब भी कहा तौरात में हिदायत और नूर भी था जैसे एक और जगह से पता चलता है और तफसीली तफसीलीकामा भी थे और कुरान मजीद में भी तोरात की तालीमत का जिक्र मिलता है इन नहाजा लफि सुहफहफ इब्राहिम अमूसा हमें पिछली किताबों पर ईमान लाने का कहा गया है उनके अंदर जो तब्दीली है चाहे वो तब्दीली हो चुकी है लेकिन हम असल जो नाजिल करदा किताब है ना उस पर ईमान लाते हैं, और फिर ये भी है कि इंसान को सिर्फ अपनी अकल काफी नहीं हिदायत हासिल करने के लिए उसको क्या चाहिए होता है किताब चाहिए होती है अल्लाह की तरफ से आने वाली वही चाहिए होती है यानी सिर्फ इंसान दुनिया की किताबें इंसानों के किससे कहानियाँ पढ़ के हिदायत नहीं पा सकता अल्लाह की किताब चाहिए यानी इसमें जो सबक मैं ले रही हूँ अपने लिए और आपके लिए वो क्या है कि अगर हम वाकई सच्चे हैं कि हमें रहनुमाई चाहिए तो फिर इसके बगैर चारा नहीं की हम कुरान पढ़े पढ़ाए समझे इसको باتخاذكم العجل باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو और जमूसा ने अपनी कौम ऐसी कहा है मेरी कौम बेशक तुमने बछड़े को महबूद बनाकर अपनी जानों आरोप जुल्म किया है तो अब अपने पैदा करने वाले के हजूर तौबा करो और अपने मुजरमों को कतल कर डालो ये तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है फिर वो तुम पर मेहरबान हो गया बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला बहुत रहम फरमाने वाला है बछड़े को मबूद बनाने की वजह ऐसी अल्लाह तला ने बनी सराइल को दुनिया में भी सजा दी थी और मुसलम की जबान पर तोबा करने का हुक्म भी दिया था और उस तौबा की शर्त क्या थी कि वो एक दूसरे को कत्ल करे वह इस कल ही या कौमी जब मुसलम ने अपनी कौम से कहा ऐ मेरी कौम ऐ मेरी कौम कहने में एक मोहब्बत भी है एक अपनाइत है तबलीग करने वाले ऐसे ही होते है चाहे उन्होंने बछड़े को मबूद बना लिया हो तब भी उन्हें कैसे पुकारते ये थोड़ी कहते हैं मुशरे को ऐलुमो नहीं या कौमे कौम, कौम है तो अपना ही ना यानी जिससे भी आपका वास्ता पड़ता है कोई ना कोई ताल्लुक रिश्ता होता ही है ना तो इसलिए अगर आप किसी को सिखाना चाहते हैं ना पहले उसके साथ एक कम्युनिकेशन डेवलप करें एक ट्रस्ट बिल्ड करें और उनको बताया इन जलम तुम तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया क्या जुल्म किया बछड़े को मबूद बनाकर बित्ती खासिकजिला इला बारिकुम अब इस मुश्किल से निकलने का हल क्या कि अपने रब के हजूर तौबा करो बारे वो खालिक होता है जो अपने मखलूक का ख्याल रखता है तौबा का क्या मतलब है लौट आओ यानी अल्लाह की नाफरमानी से पलट कर उसकी इताद की तरफ आ जाओ यानी तुम बछड़े को कैसे मबूद बना सकते हो अपने खालिक को कैसे छोड़ सकते हो बछड़े को छोड़ो खालिक की तरफ लौटो अल्लाह ताला का ये नाम अलबारे जो है नही दो जगहों पर आया है बारे का मतलब होता है खड़ने वाला ढालने वाला सूरत देने वाला पैदा करने वाला खाका बनाने वाला वो जिसको अपनी जत सिफात और रफाल में कमाल हासिल है यानि खुद भी पाक दूसरों को भी पाक करने वाला चीजों को एक मकसद के साथ पैदा करने वाला तो अपने पैदा करने वाले के हजूर तोबा करो शर्त क्या है कैसे तोबा कबूल होगी फ्त लू अपने आप को कतल करो बास कहते हैं इसमें मुराद ये थी कि हर बछड़े का पुजारी अपने आप को मारे सुसाइड कर ले काइंड ऑफ और एक माना यह किया गया कि बाज बाज अनफुसा समझ रहा था कि तुम में से कुछ लोग कुछ को कत्ल करें एक दूसरे को कत्ल करो इब्न अब्बास कहते हैं कि सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी कौम को ये कहा कि अपने आप को कत्ल करो तो वो लोग जो बछड़े के मुजाविर बने थे यानी बछड़े को जो पूजने वाले थे वो गोट मार के बैठ गए नीचे और जो मुजाविर नहीं बने थे जिन्होंने नहीं पूजा था उन्होंने खंजर लिए और उनको मारना शुरू किया फिर अंधेरा दूर हुआ रोशनी हुई तो सत्तर हजार कत्ल हो चुके थे जो कत्ल हो गया उसकी तोबा भी कबूल हुई और जो बच गया उसकी भी तोबा कबूल हो गयी इन नब्बा रहीम बेशक वो तोबा कबूल करने वाला मेहरबान है तो अब पैगम्बर भी नहीं कोई ऐसे हुक्म भी नहीं तो बात ये होता है की गुनाहों की वजह ऐसी अल्लाह सब ताला बंदों को किसी आजमाइश में किसी मुसीबत में डाल देता है ताकि वो अल्लाह की तरफ पल लें तोबा कर ले माफी मांग ले दुनिया में ही अपना काम साफ कर ले तो अल्लाह बहुत तोबा कबूल करने वाला बहुत मेहरबान है और इससे ही पता चलता है जितना बड़ा गुनाह होता है फिर उसकी सजा भी उतनी बड़ी होती है और उसके लिए उतनी ज्यादा तोबा करने की जरूरत होती है और अल्लाह ताला न सिर्फ ये कि तब्वाब है बल्कि रहीम भी है तो इस साय से पता चलता है कि शिरक बहुत बड़ा गुनाह है और बनी इसराइल से ये हमाकत सरजद हुई आम हालात में तो शिरक नाकाबले माफी गुनाह है लेकिन इस सा से पता चलता है कि अगर कोई माफी मांग ले तो उसकी माफी हो जाती है और इस्तिगफार का फायदा होता है और बड़े से बड़ा गुनाह इस्तिगफार से माफ हो जाता है बाजुकात बगैर किसी तकलीफ के माफी मिल जाती है सिर्फ मांगने से और बात किसी मुसीबत से इंसान गुजरता है तो पाक होता है कोई बीमारी आ जाती है या कोई माल के नुकसान हो जाता है या कोई और गम दुख जिंदगी में आ जाता है तो अल्लाह ताला बेशुमार गुनाहों की तोबा कबूल करता है संगीन से संगीन गुनाह की तोबा कबूल करता है बार बार तोबा कबूल करता है अल्लाह सबाना हमें माफ करते ना धुरू बना हो कफर अन्ना सयाद्र يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم الْعَذَابُ يُذْبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون واذ واعدنا موسى اربعين ليله ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا, فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو الدواب الرحيم واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون ثم بعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أن سهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ